अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ा था वो था सेकंड टाइप ऑफ मिरर, जिसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। कल की क्लास में हमने कॉनकेव मिरर को देखा था कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है, इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो किस तरह होता है। फिर हमने इसमें इमेजेस बना के देखी थी और उस इमेजेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। आज हम तीसरे मिरर की बात करेंगे। तीसरा मिरर होता है हमारे पास कॉनवेक्स मिरर। तो यूं हमारे पास मिरर का टॉपिक आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। तीन मिरर हो गए, पहला प्लेन मिरर, दूसरा कॉनकेव मिरर, तीसरा कॉनवेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं जब हमने टाइप्स ऑफ मिरर को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि एक मिरर होते हैं प्लेन मिरर, जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होती है, जबकि दूसरे मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ऐसे मिरर होते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ऐसे मिरर होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती बल्कि कर्व होती है। कर्व की सूरत में अगर आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो आप उसको कहोगे कि वो है स्फेरिकल मिरर। फिर मैंने आपको बताया स्फेरिकल मिरर में दो टाइप होती है, एक कहलाती है कॉनकेव, एक कहलाती है कॉनवेक्स। कॉनकेव हमने कल की क्लास में पढ़ा था, आज हम बात करेंगे कॉनवेक्स मिरर की। कॉनवेक्स मिरर क्या होते हैं, ये ऐसे मिरर होते हैं जिनकी आउटर सरफेस पॉलिश होती है जी, आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। जरा इस डायग्राम को देखें आप, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखें प्लेन नहीं है बल्कि कर्व है, तो ये क्या हो गया, ये स्फेरिकल मिरर हो गया। और हम क्या देख रहे हैं कि जी बाहर वाली सरफेस, आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश हुई हुई है, आउटर सरफेस से जब लाइट टकराएगी तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, अंदर वाली सरफेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, अंदर वाली सरफेस तो कोटेड है। तो अगर आउटर सरफेस आपको एक स्फेरिकल मिरर की आउटर सरफेस पॉलिश मिले, बाहर वाली सरफेस पॉलिश मिले, तो फिर आप कहोगे कि वो है एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल हो गई। तो ये हो गया प्लेन मिरर और ये हो गया स्फेरिकल मिरर। अगर स्फेरिकल मिरर में ये अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो ये कॉनकेव हो जाएगा, और अगर ये बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये कॉनकेव कॉन्वेक्स था, कॉन्वेक्स के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था, थोड़ा सा भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं जी। अब जरा कॉनकेव कॉन्वेक्स के अंदर एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, डाइवर्जिंग मिरर भी। डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है, पहले भी बताया आपको मैंने कि जब ये कॉनकेव मिरर, अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, देखें ये जो आउटर सरफेस है ये वाली, ये रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ जो है आपकी लाइट टकरा के मुड़ेगी, आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश हुई है, रिफ्लेक्शन है, तो ये कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। अंदर वाली सरफेस को देखें ग्रे कलर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि अंदर वाली सरफेस कोटेड हो गई, अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो चूंकि बाहर वाली सरफेस आपको कोटेड नजर आ रही है, तो बाहर वाली सरफेस जब कोटेड होती है तो हम उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर को मैं बात कर रहा था कि कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर से पैरेलल रेज टकराती है, ये देखें जी पैरेलल रेज है, ये वही प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपके पास वो जो लाइन होती है ना प्रिंसिपल एक्सिस, उसके अतबार से देखें तो ये सारी लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है। तो अगर पैरेलल रेज हमारे कॉन्वेक्स मिरर से टकराती हैं तो बाहर की तरफ फैल जाती है, ऐसे मुड़ती है, तो चूंकि ये लाइटों को फैला रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्ट का मतलब होता है अगर आप जो है बात को घुमा दें, फैला दें, कहते ना मुझे डाइवर्ट मत करो, अगर आप अपना आपसे कोई सवाल किया जाए और आपको बंदा जो है इधर उधर की फेंकना शुरू कर दे, बात आपकी घुमा दे, तो उसको हम कहते हैं डाइवर्ट। तो याद है ना, इसने मिरर ने लाइटों को घुमा दिया, पैरेलल रेज आ रही थी, लेट अगेन सी, ये देखें पैरेलल रेज आ रही थी, लेकिन इस मिरर ने क्या करा, लाइटों को घुमा दिया, फैला दिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, इसको आप डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हो। अच्छा, खास बात है, एक खास बात यह है कि ये जो लाइट आपके कॉन्वेक्स मिरर से टकरा के डाइवर्ज हो रही है ना, ये रैंडम नहीं होता, ये नहीं है कि इसकी मर्जी है इस लाइट को इसने यहाँ फेंक दिया, इसकी मर्जी इस लाइट को यहाँ फेंक दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि ये डाइवर्ज जो है खास पैटर्न से होती है। वो पैटर्न क्या है जी, कि अगर हम इन तमाम रिफ्लेक्टेड रेस को वर्चुअल एक्सटेंड करें,
पीछे की तरफ मिरर के अंदर वर्चुअल एक्सटेंड करें तो ये एक पॉइंट पर मिल रही होती है, ये वही पॉइंट है जी एफ प्रिंसिपल फोकस, बस ये मिरर के अंदर है। कल याद है ना आपको, यहाँ पर बताया था मैंने कि ये पोल होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है एफ कहते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो बिल्कुल पोल के दूसरे तरफ भी जितना ये डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस से अगर आप लगाएं तो ये वो पॉइंट आ रहा है, तो हमने क्या नाम दिया उसको, प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है ये पैरेलल रेस को डाइवर्ज करता है इस तरीके से कि अगर आप रिफ्लेक्टेड रेस को वर्चुअल एक्सटेंड करें तो ये मिरर के अंदर प्रिंसिपल फोकस पर आकर मिल रही होती है। ये एक खास बात याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर ने भी यही किया था लेकिन उसने रिफ्लेक्टेड रेस को ऐसे पी पे मिला दिया था, ऐसे एफ पे मिला दिया था ऐसे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर इनको फैला रहा है और वर्चुअल एक्सटेंशन इनके पीछे मिल रही है। सो ये हो गया जी कॉन्वेक्स मिरर, एक ऐसा मिरर जो उसकी बाहर वाली सरफेस पॉलिश होती है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जब इसमें से पैरेलल रेस टकराती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती है, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और इनका जो डाइवर्ज है वो इस तरह है कि अगर आप इन रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे मिरर के अंदर वर्चुअल एक्सटेंड करें तो ये एक पॉइंट पर मिल रही होती है, ये पॉइंट प्रिंसिपल फोकस ही है। बस फर्क क्या है कि ये प्रिंसिपल फोकस मिरर के अंदर है। अब हम देखते हैं जी कि हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। जैसे हमने कल देखा था कि हमारे पास कॉनकेव मिरर था तो उसके अंदर पोल था जो कि मिरर का सेंटर है वो पोल कहलाता है। फिर अगर हम सर्किल ड्रॉ कर लें तो उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और फिर इन दोनों के बीच का पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल फोकस होता है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी मामला है, ये जो मिरर है इस मिरर में से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें ना, बिल्कुल सेंटर ऑफ द मिरर से लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन को आप कहते हो वही प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने इमेजिनरी लाइन होती है, इस लाइन का मकसद सिर्फ लाइट रे को पैरेलल इसके तबार से हम कंपेयर कर रहे होते हैं और इसके हिसाब से हम बताते हैं कि वो पैरेलल है या नहीं। तो बिल्कुल कल भी आपने देखा था कि मिरर के सेंटर से एक लाइन हमने ड्रॉ की थी और उसका नाम रखा था हमने प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर भी ऐसा ही है, मिरर के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन निकल रही होगी, इसको आप कहोगे प्रिंसिपल एक्सिस। फिर उसके बाद जो मिरर का सेंटर होता है उसको हम पी यानी के पोल कहते हैं, पोल ऑफ मिरर इज द सेंटर ऑफ द मिरर। उसके बाद वही आपके पास अगर आप सर्किल ड्रॉ कर लें, पूरा कंप्लीट सर्किल ड्रॉ कर लें तो आपके पास वही आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट निकाल लें उसको आप कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। नाम वही है, चीजें वही है, बस मिरर का शेप चेंज हो गया। ठीक है, सेंटर का मिरर का जो सेंटर है वो पोल कहलाएगा, फिर उसके बाद सर्किल का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा और इन दोनों का जो सेंटर है वो कहलाएगा फोकस। अगेन याद रखिएगा यहां से यहां तक का फासला और यहां तक से यहां तक का फासला ये दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं ये दोनों। यानी सी से लेके ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है सी से लेके एफ तक की लाइन ये बराबर होगी एफ से लेके पी तक की लाइन की, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर। ये बात याद रखिएगा जब हम रे डायग्राम्स बनाते हैं तो इस चीज का बहुत ख्याल रखा जाता है, नहीं तो रे डायग्राम आपकी खराब बनेगी। ये ख्याल रखिएगा कि सी और एफ के बीच में अगर आपने 2 सेंटीमीटर लिया है तो एफ और पी के बीच में भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी अभी हमने देखा कि हमारे पास यहाँ मिरर के अंदर भी अगर हम ये प्रिंसिपल एक्सिस को वर्चुअल एक्सटेंड कर दें ऐसे तो फिर ये बिल्कुल 2 सेंटीमीटर बाद एक और यहाँ पर एफ होगा जो मिरर के अंदर होगा, ये भी उतना ही होगा जी 2 सेंटीमीटर। ये समझ लो एफ की रिफ्लेक्शन आ रही है, अंदर एफ का इमेज नजर आ रहा है और यहाँ पर जैसे वही आपकी डाइवर्जिंग वाली बात जो मैंने आपको बताई थी ये सब एफ के इत्तबार से हो रहा होता है। सो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की टर्मिनोलॉजीज हो गई। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी हमारे पास बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह ही टर्मिनोलॉजीज पाई गई हैं। हमारे पास जो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर उसका जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं पी यानी के पोल। फिर पोल से अगर आप एक सर्किल ड्रॉ कर लें तो उस सर्किल का सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। उसके बाद पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का पॉइंट आप निकालें तो उसको आप कहेंगे प्रिंसिपल फोकस एफ। ठीक है जी, और इन तीनों पॉइंट्स को आप मिला दें तो उस लाइन को, उस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात करते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर से कैसे होता है। कॉन्केव की तो हमने कल बात कर ली थी, ये डायग्राम जो पीछे नजर आ रही है ये कॉन्केव की है, आज हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की। तो कॉन्केव की अगर आप जहन में रखें तो कॉन्केव में मैंने आपको बताया था कि जो पैरेलल रे होती है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अतबार से अगर एक पैरेलल लाइट आ रही है तो वो कॉन्केव मिरर से टकराती है
और एफ पर से गुजर जाती है, एक ये बताई थी आपको। दूसरी बताई थी कि अगर आपके पास एफ से गुजर रही है लाइट तो वो कॉनकेव मिरर से टकरा के पैरेलल हो जाती है। और तीसरी आपको बताई थी पोल की, ठीक है। अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये था कॉनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल ले आ रही है, एफ से गुजर जाती है, एफ से गुजर रही है अगर लाइट, ये एफ से गुजर रही है तो ये टकरा के पैरेलल हो जाती है, और पोल वाली लाइट तो जो है जी जितने एंगल से टकराती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये तो था कॉनकेव का, ठीक है। कॉनकेव का बताना यूं था, जरूरी कि बस वो आपको याद रह जाए क्योंकि अब आप यहाँ पे मिक्सअप होता है दिमाग आपका। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। अब कॉन्वेक्स मिरर ले लिया जी मैंने, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये मिरर का सेंटर हो गया पोल और उसके सामने मैंने पॉइंट ले लिया एफ, याद रखिएगा यहाँ पर भी पीछे भी कहीं एक एफ होगा। अब यहाँ पर पोल वाली लाइट तो वही होगी जी, पोल वाली लाइट का तो वही मामला होगा कि जो पोल से लाइट टकराएगी वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 30 डिग्री से टकराएगी तो 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो यहाँ पर डिफरेंट है वो है पैरेलल। अगर पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस के अतबार से अगर हम लाइट को देखते हैं और वो पैरेलल है तो फिर जब वो कॉन्वेक्स मिरर से टकराती है तो अभी आपको शुरू में बताया मैंने वो डाइवर्ज हो जाएगी, वो दूर चली जाएगी, वो एफ से नहीं गुजरेगी, वो ऐसे बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर आप इसको वर्चुअल एक्सटेंड करें तो एक मैंने नीचे भी ले ली, नीचे भी देखें पैरेलल लाइट है, मिरर से टकराई और बाहर डाइवर्ट हो गई। लेकिन अगर इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को अगर हम वर्चुअल एक्सटेंड करें, ये मैंने ऊपर वाली रिफ्लेक्टेड रे को वर्चुअल एक्सटेंड किया, ये नीचे वाली को वर्चुअल एक्सटेंड किया, इन दोनों का वर्चुअल एक्सटेंड एक पॉइंट पे मिल रहा होता है, इस पॉइंट पर मिल रहा होगा यहाँ पर। अब अगर आप यहां से ये ना एफ और पी ये नापें आप और ये डिस्टेंस नापे सेम आएगा, इसका मतलब है ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये भी प्रिंसिपल फोकस हो गया एफ, ठीक है। मिरर के अंदर है बस ये फर्क, ये ध्यान में रखिएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन थोड़ा इजी रहा हमारे लिए, पोल वाली लाइट अगर हम लेते हैं तो वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होती है और अगर हम पैरेलल लाइट लेते हैं तो वो हमारी डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन डाइवर्ज इस तरह होती है कि अगर हम उसको वर्चुअल एक्सटेंड करें तो वो मिरर के अंदर प्रिंसिपल फोकस पर जाके मिल रही होती है, ठीक है। यहां से ये दोनों प्रिंसिपल फोकस सेम होते हैं, ये बातें ध्यान में रखते हैं। अब हम इसका इमेज बनाते हैं। सो दैट इज द लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट है तो वो पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो अगर हम उसको वर्चुअल एक्सटेंड करें तो वो पीछे प्रिंसिपल फोकस से मिल रही होती है। अब हम बात करते हैं जी इसका इमेज कैसे बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसा बनता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो हमने कॉन्वेक्स मिरर देख लिया, उसमें से लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो भी देख लिया, अब बारी है इमेज बनाने की। ये हमने एक मिरर ले लिया जी कॉन्वेक्स मिरर और उसके हमने ये पॉइंट्स मेंशन कर दिए, ये हो गया सेंटर ऑफ द मिरर पोल और ये उसके सामने प्रिंसिपल फोकस। अच्छा अब ये निस्बतन कॉनकेव के आसान है, क्यों, क्योंकि कॉनकेव में हमने ये देखा था कि अलग अलग इमेज बनता है, जहां पर ऑब्जेक्ट होगा उस हिसाब से इमेज बनता है। अगर इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से बहुत दूर रखा हुआ है तो इमेज छोटा है, फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम करीब ला रहे थे इमेज बड़ा होता जा रहा था और दूर होता जा रहा था, जैसे जैसे करीब ला रहे थे, सी पर आया था तो सेम साइज था, सी से थोड़ा सा आगे किया तो बड़ा हो गया था, एफ पर आए थे तो और बड़ा हो गया था। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ला रहे थे इमेज का साइज इंक्रीज हो रहा था और इमेज आपका मिरर से दूर जाता जा रहा था, और बिल्कुल आखिरी पोजिशन पे जब हम लाए थे यहां पर एफ और पी के बीच में, इस जगह पर जब हम लाए थे यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, तो फिर तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी, वर्चुअल इमेज हो गया था, सीधा इमेज बना था, बड़ा था और मिरर के अंदर था, याद है ना करेक्टर्स, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज इन साइज और बिहाइंड द मिरर। तो यहां कॉनकेव थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा मुख्तलिफ हो गया क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ इमेजेस बन रहे थे। कॉन्वेक्स के अंदर एक फायदा ये है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें प्लेन मिरर की तरह ये एक ही जैसा इमेज बनाएगा, एक ही जैसा ऑब्जेक्ट, आप चाहे तो सी पे रखें, सी के पीछे रखें, एफ पे रखें या एफ और पी के बीच में रखें, इमेज एक ही जैसा बनेगा। तो बस एक ही इमेज रे डायग्राम हम बना के देख लेंगे कि इमेज कैसा बनता है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया जी यहां पर एफ के पीछे, यानी सी और एफ के बीच में ले लेता हूं मैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे याद रखिएगा आप एफ पे भी लेके आ जाए, आप एफ और पी के भी बीच में ले आए, इमेज एक ही जैसा बनेगा। अब यहां से मैं दो लाइट रे लूंगा जी, आपको पता है हमारी ट्रिक क्या होती है जी, दो लाइट रे लेते हैं और उनका रिफ्लेक्शन हम कराते हैं और देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेस कहां मिल रही है, जहां मिलेंगी वहां इमेज बन जाएगा।
तो ये मैंने एक पहली लाइट रे ली जी पैरेलल। मैंने आपको बताया कि पैरेलल रे जब कॉन्वेक्स मिरर से टकराती है तो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन इसका डाइवर्ज जो है वो एफ पर मिल रहा होगा, पीछे की तरफ एफ होगा, जो अभी मैं ड्रॉ कर दूंगा और आपको नजर आ जाएगा कि ये डाइवर्ज होके एफ से मिल रहा है। दूसरी लाइट रे ली जी मैंने पोल वाली, पोल से टकरा गई। अब ये जितने एंगल से टकराएगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है जी। तो ये मेरे पास दो लाइट रे ली मैंने, ये मेरे पास पहली रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये मेरे पास दूसरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये दोनों तो नामुमकिन है जी यहाँ मिले, क्योंकि ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, ये ना तो पैरेलल है ना ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी, ये जितना आगे जाती जाएंगी उतना ये दूर होती जाएंगी। तो रियल लाइट तो यहाँ नहीं मिल रही, असली लाइटें तो यहाँ नहीं मिल रही। हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर में हमने सीखा है कि अगर रियल लाइट रेस नहीं मिल रही होती तो फिर हम वर्चुअल एक्सटेंड करके देखते हैं जी कहाँ मिल रही है, वहां इमेज बन जाता है, लेकिन वो इमेज वर्चुअल होता है। तो अब हम इनको, रियल लाइट्स तो हमारी मिल नहीं रही, अब हम इनको वर्चुअल एक्सटेंड करते हैं। तो ये हमने मिरर के पीछे एफ बना दिया। हम जानते हैं कि ये वाली जो रे है इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे एफ से मिलेगी, ये तो हमें पता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मिरर है कि ये डाइवर्ज एफ के तबार से हुई है। तो इस लाइट रे को, पहली वाली लाइट रे को आपने वर्चुअल एक्सटेंड कर दिया, ये देख लें। और ये जो दूसरी लाइट रे है इसको भी वर्चुअल एक्सटेंड करते हैं, तो ये देखें वर्चुअल एक्सटेंड हो गई, यहाँ मिल रही है जी इस पॉइंट पर, ये दोनों रे मिल रही है, यहाँ इमेज बन जाए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, रियल लाइट रेज जो है वो नहीं मिलेंगी, चाहे आप ऑब्जेक्ट को एफ पे रखें चाहे पीछे रखें, ऐसा ही होगा जी। पोल से टकराने वाली कहीं और जा रही होगी, पैरेलल आने वाली जो है वो कहीं और जा रही होगी, रियल लाइट कभी नहीं मिलेंगी। वर्चुअल आप एक्सटेंड करेंगे, वर्चुअल मिलेगी आपके पीछे, ठीक है। तो इसलिए आप किसी भी पोजीशन पे रखें, एनी पोजीशन, इमेज एक ही जैसा बनेगा, ये वाला इमेज बनेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि असली लाइट रे से तो नहीं मिला, वर्चुअल हमने एक्सटेंड किया जी, ये देखें वर्चुअल एक्सटेंड करके हमें ये इमेज मिला है, तो ये इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल, नकली इमेज है ये, प्लेन मिरर की तरह, प्लेन मिरर की तरह एक वर्चुअल इमेज बन रहा है। मैं आपको बता चुका हूं कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है, तो देख लें इमेज सीधा बना है क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट होता है हमेशा। तो एक वर्चुअल इमेज मिला हमें और एक इरेक्ट इमेज मिला। साइज काफी छोटा है, स्मॉल इन साइज, देखें ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है आपका और इमेज का साइज देखें छोटा आ रहा है, तो साइज काफी छोटा होता है। जबकि बना कहाँ है जी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर बना है, वर्चुअल है ना, मिरर के अंदर बना है, यहाँ पे इस जगह पे नहीं बनाई, मिरर के अंदर बना है यहाँ पे, तो ये बिहाइंड द मिरर। तो ये होती है जी प्रॉपर्टीज, आप कॉन्वेक्स मिरर के आगे ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखेंगे, ये चार प्रॉपर्टी होगी, वो वर्चुअल होगा, वो सीधा होगा, छोटे साइज का होगा और हमेशा मिरर के अंदर बनेगा, ये प्रॉपर्टीज मिलेंगी। ये बिल्कुल सिमिलर टू प्लेन मिरर हो रहा है, प्लेन मिरर में भी यही होता है ना कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखेंगे वर्चुअल इमेज बनता है, प्लेन मिरर का बता रहा हूं मैं, ये वर्चुअल इमेज बनता है और सीधा ही होता है, इरेक्ट ही होता है वो भी, अगर आप सीधा खड़े हैं तो आपका इमेज भी सीधा होता है, बस फर्क है जी यहाँ पर। कॉन्वेक्स मिरर में जब आपका इमेज बनता है तो वो स्मॉल होता है जी साइज के अंदर, जबकि आपको याद होगा प्लेन मिरर के अंदर हमने कहा था कि जब हमारा इमेज बनेगा तो वो सेम साइज का होता है, सेम साइज, ये एक फर्क है। तो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों हमेशा, ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में बात आती है, प्लेन मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं, हमेशा वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा सीधा होता है। तो ये दोनों मिरर, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे प्लेन हो, ये दोनों वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाते हैं, फर्क है जी बस इस जगह पर साइज का। जब कॉन्वेक्स मिरर से आप इमेज बनाओगे तो वो छोटे साइज का होगा, जब प्लेन मिरर से इमेज बनता है तो वो सेम साइज का है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका एक वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज का इमेज बना है, तो आप कहोगे यहाँ मैंने प्लेन मिरर यूज किया है। और अगर मैं आपसे बोलूं जी ये ऑब्जेक्ट है और इसका वर्चुअल इरेक्ट लेकिन छोटे साइज का इमेज बना है, तो आप कहोगे कि मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज किया है, दोनों वर्चुअल बना रहे हैं, दोनों क्या बना रहे हैं, वर्चुअल। और अगर मैं आपसे बोलूं कि जी ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका एक रियल इन्वर्टेड इमेज बना है, रियल इन्वर्टेड, तो आपको पता है रियल इन्वर्टेड तो कहाँ बनता है, कॉनकेव मिरर, तो यहाँ मैंने कॉनकेव मिरर यूज किया है। तो कॉनकेव एक पोजिशन को छोड़ दें तो कॉनकेव हमेशा रियल और वर्चुअल इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, एक पोजीशन को आप हटा दें तो कॉनकेव हमेशा कैसा बनाएगा, रियल और इनवर्टेड, ठीक है, जबकि कॉन्वेक्स और प्लेन हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाते हैं,
ठीक है जी, ये इन दोनों में फर्क हो गया। जबकि प्लेन और कॉन्वेक्स में क्या फर्क है कि प्लेन और कॉन्वेक्स में जो इमेज बनते हैं साइज का फर्क है। प्लेन मिरर जब इमेज बनाता है तो वो सेम साइज का होता है, कॉन्वेक्स मिरर जब इमेज बनाता है वो छोटे साइज का। तो ये तीनों को मैंने कंपेयर कर दिया, याद रखिएगा फॉर एमसीक्यूज पर्पस। रियल इमेज आर ऑब्टेन बाय कॉनकेव मिरर। रियल इमेज अगर आपका बनता है तो कॉनकेव मिरर से बनता है, जबकि वर्चुअल इमेज आपका बनता है तो फिर कॉन्वेक्स है या प्लेन है। और अगर आपसे कहा जाए जी वर्चुअल इमेज सेम साइज का बना है तो आप कहोगे प्लेन मिरर बीच में था, वर्चुअल इमेज छोटे साइज का बना है तो आप कहोगे कॉन्वेक्स मिरर बीच में था। ठीक है, तो ये हमने जरा मिरर्स को कंपैरिजन भी कर लिया। तो यूं हमने तीनों मिरर्स को पढ़ लिया, प्लेन मिरर भी पढ़ लिया हमने, कॉनकेव भी पढ़ लिया, कॉन्वेक्स भी पढ़ लिया। तीनों में हमने रिफ्लेक्शन देखा क्या होता है और हमने देखा कि उनमें जो इमेजेस बन रही है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन क्या होता है और उस इक्वेशन को हमने ड्राइव करना है। ड्राइव इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं, थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन होती है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। अभी मैं आपको मिरर इक्वेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मिरर इक्वेशन क्या है। ठीक है जी, अब एक कॉनकेव मिरर ले रहा हूं मैं। मिरर इक्वेशन को समझने के लिए कि मिरर इक्वेशन क्या है, मैं कॉनकेव मिरर ले रहा हूँ। ये आपके सामने कॉनकेव मिरर आ गया, देख ले अंदर वाली सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, ज्यादा ये कॉनकेव मिरर हो गया। और ये इसके पॉइंट्स आ गए, ये आ गया मिरर का सेंटर पोल, ये आ गया प्रिंसिपल फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये मैंने कॉनकेव मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखा और ये मैंने पैरेलल ले ली, ये रिफ्लेक्ट होके एफ से गुजर जाती है, और ये मैंने एफ से गुजरती हुई ले रे ली, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। ये दोनों लाइट रे यहां मिल रही है तो यहाँ एक इमेज बन जाएगा। तो ये तो मैंने एक इमेज फॉर्मेशन कर दी जी कॉनकेव मिरर से। ठीक है जी, मिरर इक्वेशन को समझने के लिए मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, एक ऑब्जेक्ट रखा सामने ब्लैक कलर का और उसका एक इमेज बन गया जी जो कि व्हाइट कलर का आ रहा है। अब इसमें जरा आप गौर से देखिएगा इस लाइन को, ये जो लाइन है जिसको मैंने कलर चेंज कर दिया, एफ से लेके पी तक, यानी कि प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल ऑफ द मिरर तक, इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है एफ और पी के बीच का, इसको हम कहते हैं एफ से फोकल लेंथ, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से इसको डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ, ये हो गया स्मॉल एफ, कैपिटल एफ से नहीं, क्योंकि कैपिटल एफ से तो हमने प्रिंसिपल फोकस को डिनोट किया हुआ है। तो फोकल लेंथ क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया जी डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। मिरर के सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो फासला होता है इसको आप कहते हो फोकल लेंथ, और डिनोट करते हो आप इसको एफ से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस लाइन को देखें, ये जो मैंने कलर कर दिया ब्लैक लाइन, ये हो गया जी आपका मिरर के पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का फासला, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट तक का फासला हो रहा है। इस लाइन को यानी कि मिरर और ऑब्जेक्ट के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको आप कहते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और डिनोट करते हो आप इसको पी से, स्मॉल पी। ये क्या हो गया जी, यहां से लेके यहां तक ये हो गया स्मॉल पी, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जबकि यहां से लेके यहां तक ये हो गया फोकल लेंथ। ठीक है जी, दो चीजें हो गई। तो फोकल लेंथ क्या हो गई जी, मिरर के पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, और मिरर के पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है इसको आप कहते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी से आप इसको डिनोट करते हो। सीधी सी जबान में आपका ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, आपका ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आखिरी लाइन देखिएगा जरा, ये वाली, ये जो मैंने कलर किया पोल से लेके इमेज तक का, पोल से लेके कहां तक ड्रॉ की हुई है मैंने लाइन, इमेज तक, ये कहलाती है इमेज डिस्टेंस। क्यों से इसको डिनोट किया जाता है, क्यों क्या होता है, इमेज डिस्टेंस यानी आपका इमेज मिरर से कितना दूर है, कहां से मेजर करोगे, पोल से लेके अपने इमेज तक मेजर कर दो। तो यहां से लेके ये इमेज से लेकर के ये पूरी यहां पोल तक की लाइन, ये कहलाएगी क्यू। तो तीन चीजें हो गई, एफ पी और क्यू। एफ क्या है जी, फोकल लेंथ, पी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्यू क्या है, इमेज डिस्टेंस। एफ क्या होता है जी, पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला, एफ कहलाता है ये। इसी तरह पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
और पोल से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस। तीन डिस्टेंस होता है, एक प्रिंसिपल फोकस तक का फासला, एक ऑब्जेक्ट तक का फासला, एक इमेज तक का फासला। इन तीनों डिस्टेंसेस को, एक प्रिंसिपल फोकस तक का फासला, एक ऑब्जेक्ट तक का फासला और एक इमेज तक का फासला, इन तीनों वेरिएबल्स को हमने मिला के एक, अच्छा ये दो दो टर्म्स और आ रही है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले मैं आपको वो मिरर बता दूं। इन तीनों डिस्टेंस को यानी एफ पी और क्यू, इन तीनों डिस्टेंस को मिला के हमने ये इक्वेशन बनाई है। देखें जरा, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू। इसमें ये एफ क्या है, फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल फोकस तक का फासला, पी क्या है जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, और क्यू क्या है, इमेज डिस्टेंस। इन तीनों वेरिएबल्स को मिला के हमने ये जो इक्वेशन बनाई हुई है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन क्या है, एक ऐसी इक्वेशन है जो एफ पी क्यू इन तीनों को लिंक करती है, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इन तीनों के दरमियान एक रिलेशनशिप पाई जाती है, उसको हम कहते हैं मिरर इक्वेशन। अब इसको ड्राइव हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करना होगा कि ये इक्वेशन ऐसे क्यों है, या प्लस क्यों है, माइनस क्यों नहीं होता, ये इक्वेशन हमने बनाई कैसे, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू, हाउ वी ड्राइव इट, ये इंशाल्लाह इसकी जो डेरिवेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ये तीन टर्म्स बड़े ध्यान में रख लेगा, न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम आते हैं। एफ क्या होता है, फोकस तक का फासला, पी क्या होता है, ऑब्जेक्ट तक का फासला, क्यू क्या होता है, इमेज तक का फासला, और इन तीनों से जो लिंक करती हुई इक्वेशन है, इस इक्वेशन को भी याद कर लिएगा, ये भी आपने न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला यूज करना होगा, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू। जबकि ये दो टर्म्स और आई थी, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले ये जो मैंने मिटा देता हूँ, हाँ ये एच ओ एच आई, एच का मतलब है हाइट, एच का मतलब क्या है, हाइट, ओ का मतलब आ रहा है जी ऑब्जेक्ट, आई का मतलब आ रहा है इमेज। ये एच ओ क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी लंबाई कितनी है, ये कितना बड़ा है, कितनी हाइट है इसकी, इसको आप कहते हो एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जबकि एच आई क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, यानी ये जो आपका इमेज है इसकी लंबाई कितनी है, ये कितना लंबा है, कितना बड़ा है, इसको आप कहते हो एच आई। ठीक है, तो अगर मैं जरा यहाँ पर थोड़ा सा साफ करके वेरिएबल्स लेके आपको एक आखिरी चीज दिखा दूं, तो फिर आपके सब क्लियर हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। पहले जरा थोड़ा सा साफ कर दूं इसको। हाँ जी, अब मैं जरा एक छोटी सी एक कंडीशन ले लेता हूँ वैल्यूज के साथ। ठीक है, सपोज करें जी ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये जो एफ है ये है एफ, ये है ऑब्जेक्ट और ये इसका इमेज बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं जी ये जो एफ है ना, ये जो डिस्टेंस है ये है 2 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान ये है 10 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है इमेज और मिरर के दरमियान ये है 12 सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर क्या हो गया, क्योंकि 2 सेंटीमीटर आपको फोकस तक का डिस्टेंस बता रहा है, ये हो गई फोकल लेंथ। 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर आपको ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस बता रहा है, तो ये हो गया स्मॉल पी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, क्योंकि 12 सेंटीमीटर आपको इमेज तक का फासला दिखा रहा है, तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस क्यू। ठीक है, ये एफ पी क्यू मैंने निकाल लिया। इसी तरह मैं आपसे बोलूं कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये 4 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैं आपसे बोलूं ये जो इमेज बना है ये 6 सेंटीमीटर का है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज। तो ये 5 वेरिएबल्स याद कर लिएगा, एच ओ एच आई एफ पी क्यू क्या होते हैं, और इक्वेशन को ध्यान में रख लिएगा, 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसकी डेरिवेशन को देखेंगे कि ये जो मिरर इक्वेशन है इसको हमने बनाया कैसे है, हाउ वी ड्राइव इट, ये हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखना है, थोड़ी सी लंबी सी होती है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इजी तरीके से एक्सप्लेन करें। ख्याल रखिएगा अपना।